हेलो बच्चों, कैसे हो? आपको त्रिपाणि स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम जो आज करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का 3.3, ये पार्ट सी है। इससे पहले मैंने ए बी सी ऑलरेडी आपको इसमें डाल चुका हूँ, आपका होगा। ठीक है, हम जो इसमें करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात बहुत ही चेतावनी वाला बात जो होती है वो देता हूँ हमेशा, कि जब भी आप वीडियो देखा कीजिए, पूरा देखिए। अधूरा ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है। ठीक है, आपको जहाँ से भी समझ में आता है वो आप वहाँ से देखिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि आपको कहते हैं ना, जो टीचर जो गुरु अच्छा है उसी को ही बेस्ट मानिए। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो सही है उसका रूल रेगुलेशन भी सही होना चाहिए। कहीं ट्रिक के चक्कर में आप अपन चक्कर ना हो जाओ और पेपर में ट्रिक लगाते लगाते कहीं ट्रिक आपका ना बन जाए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके पास, आप भी देख रहे होंगे। द टैक्सी चार्जेस इन द अ सिटी इज द कांस्टेंट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद देयर चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज द ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। How does the persons have a pay for the travelling of distance of 25 किलोमीटर। तो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। इसने बोला है एक फिक्स चार्ज होगा, यानी एक जो होगा नियत भाड़ा होगा और एक जो होगा अतिरिक्त चार्ज होगा। ठीक है, हिंदी वाले ऐसे ही लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, ये फोर्थ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि हम करेंगे लेट, माना। मानेंगे क्या दोस्तों? पहले तो हम जो है फिक्स चार्ज उसको मानेंगे। फिक्स चार्ज क्या होगा? क्या है फिक्स चार्ज हमारा? एक्स, जिसको हम क्या से कह सकते हैं हिंदी में, नियत भाड़ा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज को आपको पता है हिंदी में क्या कहते हैं? अतिरिक्त किराया। ठीक है, तो ये आप वाई मान सकती हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, अपना बुक भी निकाल लो और बुक में देखो क्या बोला है। इसने कहा है कि अतिरिक्त 10 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करता है तो उसको ₹105 देना पड़ता है। देखिए 10 किलोमीटर, एक चार्जेस तो आपको फिक्स है, एक जो है फिक्स है, उसमें कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वो तो नियत रहेगा भाई, इतना किलोमीटर जाओगे तो आपको इतना पैसा लगेगा ही लगेगा, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन उसने अगला जो बात कहा वो एक्स्ट्रा चार्जेस की बात किया है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? देखिए एक्स जो एक नियत है, यानी एक फिक्स चार्ज है, नियत किराया है, एक्स प्लस 10y, क्योंकि कितना देर चला कि एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, तो एक्स्ट्रा चार्जेस में हम डालेंगे, यानी अतिरिक्त किराया है। तो कितना टोटल बन जाता है दोस्तों? ₹105 उसको देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक बन गया। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाया जाता है, अब बार बार मैं यही बात बोलता हूँ, तभी कहते हैं साथ में किताब भी रखा करो जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा बात ये बोला है कि अगर वो 15 किलोमीटर चलता है, यानी 50 किलोमीटर चलता है, डिस्टेंस कवर करता है, जर्नी करता है, तो उसको ₹155 उसको पे करना पड़ेगा। दोस्तों जर्नल सी बात है कि एक तो हमारा जो है नियत है, एक जो हमारा फिक्स चार्ज है, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना दे रहा है दोस्तों? 155। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टू बन जाएगा। आपको वन एंड टू बन चुका है क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है, कोई इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपको पता है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक को बनाते हैं। तो हम लेंगे फ्रॉम वन से, समीकरण एक से, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 माइनस 105 माइनस 10y, यही बनेगा ना, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये 10 था, इधर जाके माइनस हो गया ये, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 बन गया। कोई प्रॉब्लम तो बताइए तो मैं बताऊँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सिर्फ आपको समझना है और एनसीईआरटी के रिगार्डिंग चलना है। बच्चे क्या करते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, ना यहाँ देखते हैं, कभी वहाँ देखते हैं। तो बच्चे यही बात हो गया ना कि हर जगह से ज्ञान ले रहे हो, उसमें खुद ही नहीं समझ में आएगा कि कौन सा सही है कौन गलत है। क्योंकि हमें हमेशा ट्रिक्स से यदि अधिक इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चनों को समझना और उसको सही रूल रेगुलेशन के हिसाब से करना, तभी कामयाबी मिलती है। ट्रिक तो कभी चलती है कभी नहीं चलती है। ठीक है, ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप बच्चे थोड़ी हो, समझदार बनो। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू है, हमें पता है कि जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो अगले में ही हम अप्लाई करते हैं, यही आया ना, x की वैल्यू पुटिंग इन क्वेश्चन किस में हम डालेंगे? 2 में। ठीक है, जो रूल है आप उसी रूल को फॉलो करें। अब इसको इसमें हम रखेंगे 2 में, तो क्या लिखेंगे? x प्लस 15 y इज इक्वल टू 155, यही है ना। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ डालेंगे 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या है, इसको माइनस कर दीजिए 5y, ठीक है, ये हो जाएगा 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? माइनस कर दीजिए 50, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 अपॉन 5, तो कैंसिल आउट,
ठीक है, तो हमारा 10 आ गया, तो वाई जो होगा 10 आ गया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो बताएं, क्योंकि यही हो सकता है इसके साथ। तो इसका 10 आ गया, 10 हम वाई क्या था हमारा, एक्स्ट्रा चार्जेस, यानी एक्स्ट्रा चार्जेस को 10 रुपया लगेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। अब इसका जो है हमने क्या निकालना है, इसका एक्स का वैल्यू निकालना है, तो वाई की वैल्यू क्या करिए, वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन किस में हम डालेंगे दोस्तों, बताओ, यही है ना आसान, तो इक्वेशन 3 में डाल दीजिए। बहुत देखिए आप अपना आसानी देखिए, ठीक है, हमें उलझना नहीं है, हमें करना है सवाल, और जो उलझ जाता है वो क्या खाक करेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई की जगह हमने 10 रख दिया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 105 माइनस 100, तो एक्स इक्वल टू यानी जो हमारा जो था फिक्स चार्ज जो था वो 5 रुपीज़ था। आ गया कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन बता सकते हो, क्योंकि आपका पूछना फ़र्ज़ है, ठीक है। अब देखिए ये भी आ गया और ये भी आ गया, बहुत आसानी से आ गया, तो आंसर तो हमारा यही होगा जो आप जानते ही हो कि नियत, यानी जो हमारा फिक्स चार्जेज जो होगी, नियत चार्ज जो होगा यानी भाड़ा जो होगी वो होगा कितना है, 5 रुपया, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त जो होगा यानी एक्स्ट्रा चार्जेस जो होगा आपका वो पड़ेगा 10 रुपया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा, आप देखो बुक में, इसमें बोला है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर। अगर व्यक्ति ने 25 किलोमीटर चला हो तो उसको कितना जो है पैसे देने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसने, ठीक है, कितना ट्रैवल किया है, जितना ट्रैवल करेगा उतना ही पैसा देगा ना, ये थोड़ी कि उसे एक्स्ट्रा भी देगा, तो ऐसा ही ट्रैवलिंग कितना किया है उसने, जो भी किया है नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसने किया, देखिए एक्स तो उसका फिक्स्ड है, एक्स क्या है दोस्तों, फिक्स्ड है, ठीक है, और उसने टोटल कितना किलोमीटर चला है, 25। तो बना लीजिए क्वेश्चन, दोस्तों मुश्किल नहीं होता है, लेकिन इसने ये हमें भाड़ा कितना देना है वो हमें नहीं गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं एक्स हमारे पास कितना है, 5 रुपीज़ है, ठीक है, और ये कितना है, 25, वाई कितना है, हमें एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़ हमें देना पड़ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस कितना आ जाएगा, 250 रुपीज़ हो जाएगा। अब इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 255 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए उसको, ठीक है, किलो के लिए उसको जो है 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, बहुत ही आसान तरीका से जो है क्वेश्चन किया गया है, आप समझिए। सिर्फ मैं इतना ही कहता हूँ कि जो अगर मुझे आप संपर्क कर रहे हो, मेरे संपर्क में हो, तो मैं कहता हूँ जितना मैं करा रहा हूँ उस पर ही भरोसा रखिए, उसी पर आप अच्छे से अच्छे कर सकते हो। एक्स्ट्रा करने के चक्कर में पड़ोगे ना, घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। लेकिन मेरा विचार ये भी नहीं है, जहाँ से मर्जी है आप ज्ञान प्राप्त करो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ज्ञान वो करना, ज्ञान हर जगह होता है, लेकिन अच्छे ज्ञान ही लेना, बुरे ज्ञान को मत लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अ फ्रैक्शन बिकम अ 9/11 इफ़ द 2 इज एडिड टू द बोथ द नोमिनेटर एंड डोमिनेटर, इफ़ द 3 इज एड टू बी अ बोथ द नोमिनेटर्स एंड डोमिनेटर इट बिकम अ 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। दोस्तों इसमें समझने, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा 5th है, लेट यानी माना, मानेंगे हम क्या, नोमिनेटर, ठीक है। अब हिंदी वाले बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई नोमिनेटर में मैं क्या लिखूं, तो नोमिनेटर में दोस्तों इसका मतलब होता है अंश, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो आपको पता लग ही चुका होगा कि डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, वाई यानी हर, ठीक है। अब हर के बाद क्या बनता है, आपको पता है भिन्न बनता है, ठीक है, भिन्न, तो भिन्न सोच रहे होंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की भिन्न होता क्या है, दोस्तों भिन्न का मतलब होता है फिक्शन, ठीक है, फिक्शन। आपको पता है हर एक वर्डिंग आपको समझ होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, और भिन्न का मतलब होता है x/y, ठीक है, तो ये भिन्न बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला है कि फिक्शन तब बन जाता है 9/11 जब हम दो ऐड कर देते हैं बोथ, यानी दोनों में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि फिक्शन जब 9/11 कब बनता है, जब ऐड कर दें हम फिक्शन में दो, क्या ऐड कर दें, दो, तो देखिए +2 इक्वल टू 9/11। क्वेश्चन दोस्तों कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ करने का स्टाइल होना चाहिए आपको समझ। आप इसमें कुछ भी नहीं करना है, देखिए क्रॉस कर देना है आपस में, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 11x,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक साथ एक एक 11 प्लस कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, ये चीज़ें करना आप लोगों के बस में है, उल्टे पुल्टे ना कीजिए। इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9x प्लस 18, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ करते रहोगे तो सवाल और भी आपका सरदर्द बना देगा। तो 11x हो जाएगा, इसको इधर साइड ले आइए। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने भी तो कर दिया वाई, आपने देखा ही नहीं, ये एक्स लिख दिया मैंने, तो ठीक है। तो कोई छोटी मोटी गलतियाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बार कीजिए लेकिन समझदारी से कीजिए। छोटी मोटी गलतियाँ आपको होती रहेगी तो उस चीज़ों को कंट्रोल करना आपके बस में है। और आपके बस में कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए दोस्तों, गुरु का काम होता है सिर्फ समझाना, और शिष्य का काम होता है उसको बार बार कोशिश करके उसको अपने जो दिमाग में है उसको डालना। अब बार बार आप नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन में आपको गलतियाँ हमेशा बनती रहेगी। कहते ना, कोई वीडियो देख लेने से बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो जाता है, ये तो आज के समय जो है वीडियो पे चली गई है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, ना वीडियो होता था ना कुछ। गुरु के समक्ष बच्चे जो होते थे ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन समय, कहते हैं ना समय, लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, जो सच्चाई हो सच्चाई है, आप उससे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्लस में था, इधर आगे क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे, 11x - 9y कितना जाएगा दोस्तों, इसको माइनस कीजिए कितना जाएगा, माइनस का 4। तो ये क्वेश्चन हमारा जो हो गया एक बन गया, ये हमारा क्वेश्चन एक हुआ, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 बनाएंगे। तो 2 में क्या बोला है उसने, आप ध्यान से देखिएगा, तो बोल रखा है कि इफ़ द 3 8 टू द बोथ नोमिनेटर एंड डोमिनेटर, हम 3 8 कर देते हैं। चलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x + 3 y + 3 इज्कल टू कितना जाएगा दोस्तों, 5/6, यही आएगा ना, क्रॉस कर दीजिए, 6x + 18, ठीक है। और इधर कितना जाएगा, 5y + 15। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी चक्कर में कुछ ना कुछ मिसिंग कर जाते हैं, और मिसिंग करने के चक्कर में सवाल जो होता है उनका गलत हो जाता है। तो चलो थोड़ा ध्यान आप लोग रखिए कि भाई गलती ना हो, 6x - 5y यही होगा ना। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, 15 - 18, तो 6x - 5y - 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 3 आ गया। अब देखिए, अब चाहें तो मैं इसको इक्वेशन 2 भी बना सकता हूँ, लेकिन दोस्तों इक्वेशन 2 अगर मैं यहाँ बना देता हूँ ना, तो बाद में जो है हम आगे सवाल जो करेंगे और इक्वेशन बनता चला जाएगा। तो इसको पहले सॉल्यूशन कर लीजिए, सही फॉर्म में कर लीजिए, क्योंकि हमें आगे चलना है, ठीक है। ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, 5 प्लस, तो 6 इधर रखिए और -3 + 5y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 + 5y / 6, तो ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। जब 2 बन जाता है तो आपको पता है ना कि इस इक्वेशन का वैल्यू जो होता है हमें उस इक्वेशन में डालना पड़ता है, जो कि बहुत इजी तरीका होता है, ठीक है, यही होता है ना। अब लिखिए x की जो वैल्यू है, पुटिंग इन किस में पुटिंग करेंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है, 1 में करेंगे। तो ये हमारा है x की वैल्यू है ना, तो 11 - 3 + 5y, ठीक है, 6। कभी भी क्वेश्चन कीजिए एक बार कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए, ठीक है, और बार बार कन्फ्यूज़न मत होइए। कन्फ्यूज़न होने से आपको सवाल जो है और भी टेंशन क्रिएट करने लग जाएगा, और आपको समझ से परे चला जाएगा। बहुत से बच्चे जो होते हैं ऐसे ही करते हैं, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, -33 + 55y, इसको गुणा कर दीजिए, 54y, ठीक है, 54y होगा, ठीक है, यहाँ 54 है, याद रखिएगा 54 है, ठीक है, माइनस का है, और ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा, 24 - 24। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। तो देखिए ये 54 है, ये है, तो इसको सो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, वाई, क्या आएगा, वाई सिर्फ, -24, और ये माइनस जाकर इधर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो कितना आएगा, 4, तो 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसमें देखिए कितना आ जाएगा, माइनस कीजिए, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, तो कितना आ गया, y = 9 आंसर, ठीक है, माइनस कर लीजिएगा तो y = 9 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, जब आपको ये पता लग चुका है तो आप कर सकते हो कि क्वेश्चन 2, 3 जहाँ भी रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो है, आपको क्या लगता है मैं किस में अप्लाई करूँगा, y की वैल्यू जो है पुटिंग इन, मैं तो 2 में रखूँगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो मुझे इतना मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने कहा ना आप, मुझे तो आसान तरीका पसंद है, 9 कर दीजिए, यहाँ पर 6 कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, -3 - 45 + 45 = 6। तो x इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, 45 3 माइनस कर दीजिए कितना जाएगा, 42/6। आपको पता है 6 के टेबल में 7 टाइम में आता है,
तो x इक्वल टू सेवन। ये तो जो हमारा हो गया x एंड y हो गया। अब फिक्शन क्या बनेगा इसका? फिक्शन तो आपको पता ही है क्या होगा, तो फिक्शन जो होगा देखिए क्या बनेगा, ठीक है। तो हमारा फिक्शन जो होगा क्या बनेगा, ऊपर हमारा क्या होता है अंश, तो अंश हमारा जो है x है तो सेवन है, और हर हमारे पास कितना है, हर आप देख सकते हो कि कितना है हमारे पास, नाइन। तो इस तरह से जो है आपका फिक्शन तैयार हो जाता है और आंसर बन जाता है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि जब ऑनलाइन में करा रहा हूँ तो कमेंट देखना मेरा फ़र्ज़ बन जाता है, ठीक है। गलतियाँ होगा तो बता देना, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ ना, मेरे पास स्टूडियो है ना कुछ है ना कुछ फालतू की चीज़ें सब है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आप लोग हेल्प के लिए बना देता हूँ, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए छोड़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। फाइव ईयर हैंस द एज ऑफ द जैको विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। फाइव ईयर अगो जैकब्स एज वॉज सेवन टाइम दैट इज सन, वॉट आर देयर प्रेजेंट एज। तो इसमें यही बोला है, जो जैकब्स है उसका जो एज बताया है उसके बेटे के साथ कंपेयर करके बताया गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं अपने स्टाइल में, क्योंकि मैंने कहा ना पढ़ाने का स्टाइल सभी टीचरों का अलग अलग होता है। मैं किसी टीचर को गलत नहीं कहता हूँ, सभी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन कहते हैं ना आपको जिसको समझ में आ जाए वही टीचर बेस्ट है, ठीक है। जहाँ भी आपको समझ में आता है आप कीजिए, जो भी टीचर का आपको समझ में, लाइक कीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। मेरा किसी से कुछ भी नहीं है, मेरा तो सिर्फ है जो बच्चे चाहते हैं, जो अच्छा बनना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन जो था जैकब का प्रेजेंट टेंस, तो हम यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे लेट। ये क्वेश्चन जो हमारा है सिक्स्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, हाँ बुक में देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है प्रेजेंट, आप देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखना हमने क्या है, ठीक है, लिखना हमने है लेट, यानी माना जो जैकब का जो प्रेजेंट यानी जो वर्तमान आयु है वो कितना है, ठीक है, वर्तमान आयु, आयु इंग्लिश वाले लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स, ठीक है, जैकब्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। हिंदी में लिखी चाहे इंग्लिश में, लिखना तो हमने कहाँ सवाल करने से मतलब है, सिर्फ आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है, समझ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है। और हिज सन यानी उसका बेटा का जो उम्र कितना होगा, सन का कितना हो जाएगा, जनरल सी बात है वही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्न के अनुसार बात बोला है कि अगर फाइव ईयर नाउ, जब नाउ बोला है तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो होगा इसका जैकब का एज कितनी बन जाएगी फिर दोस्तों, ठीक है, तो क्या बन जाएगी, एक्स प्लस फाइव, और उसका जो सन है बेटा है उसका एज कितनी बन जाएगी, y प्लस फाइव। क्वेश्चन सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, करने की ज़रूरत है, ठीक है, सवाल तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसमें थोड़ी सी बात इसमें बोल दिया गया है, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें बोला है फाइव हैंस देयर इज अ थ्री टाइम दैट, थ्री टाइम तो तीन साल उससे अधिक है, गुणा में है, तो इसको हम कह सकते हैं कि x प्लस फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस फाइव, क्योंकि ये पिता का उम्र है तो बेटा का इसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, तभी तो इसके बड़े हो जाएगा ये, क्योंकि x है ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस फिफ्टीन, ठीक है। तो सोल्यूशन कीजिए, x माइनस थ्री वाई तो पंद्रह माइनस फाइव, तो x माइनस थ्री वाई, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का टेन, क्योंकि मैं ये माइनस कर दूँगा दस आ जाएगा, दस इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया एक, ठीक है। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, सवाल जो था हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, ये एनसीईआरटी के रिगार्डिंग है, कोई इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के रिगार्डिंग है, ओके। अगला जो इसमें बोला है थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, उसने बोला फाइव ईयर अगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल दिया, फाइव ईयर अगो। दोस्तों अगो का मतलब होता है ये पीछे की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैकब्स जो एज होगा, उम्र जो होगी उसकी, वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव। बच्चे ये माइनस और प्लस में ही ना आप लोग को इतनी गलतियां होती है ना कि सवाल जो होता है रो देता है, यहीं पे सवाल सब रो देता है, और आगे क्या करोगे आप, सन का जो उम्र होता है क्या हो जाएगा, वाई माइनस फाइव।
अब थोड़ा सा इसमें बात में थोड़ा सा घुमा दिया, इसने ये बोल दिया है कि सेवन टाइम, बात वैसे ही बता रहा है लेकिन वो बोल रहा है अब थोड़ा सा कि सेवन टाइम जो हो जाएगा तो वही कर दीजिए जो बोला है। हमें इसमें क्या लेना देना है, एक्स प्लस जो है फाइव इज इक्वल टू सेवन वाई माइनस 35, तो एक्स माइनस सेवन वाई माइनस 35 और ये हो जाएगा माइनस फाइव, सॉरी यहाँ पर देखिए गलती हो गया मुझसे, यहाँ माइनस कहते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक हो जाता है ना तो सारा सवाल जो है अपने आप में दम तोड़ देता है। ठीक है, तो दम तोड़ने का मतलब ये दोस्तों कि यही है। ठीक है, ये तो चलो इधर आ गया, ये माइनस जाकर इधर प्लस हो गया तो फाइव हो गया, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 30, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन अगर मैं बना दूंगा इसको तो सवाल कहाँ से आगे बढ़ेगा, तो इसको हम सवाल में ही बना लेते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे इसको। तो हम x इज इक्वल टू कितना जगह दोस्तों माइनस 30 प्लस सेवन वाई, ये क्वेश्चन टू बना देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आसान चाहता हूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, अब y की वैल्यू, x की वैल्यू जो होगा आपको पता ही है कि हम मैं किस में पुट करूँगा, क्योंकि देखिए करने का तरीका तो यही है कि x की वैल्यू पुटिंग इन वन में, क्योंकि ये वन में ही पुट किया जा सकता है। ये तो कहते ना जो रूल बन चुका होता है उसको तो हम तोड़ सकते नहीं हैं, चाहे जो मर्जी हो, जिसकी भावना अच्छी होती है उसको कोई ला सकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम इसमें पुट करते हैं, x माइनस थ्री वाई इक्वल टू, चलो टेन ही रख लो क्योंकि इक्वल टू या माइनस में है उधर जाएगा प्लस ही में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अप्लाई कर दो x की जगह, माइनस 30 प्लस सेवन वाई माइनस 3y इक्वल टू 10, माइनस कर दो 4y हो गया, 10 प्लस 30 तो 4y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 40 अपॉन 4 10, तो ये आ गया y की वैल्यू कितना आ गया 10 ईयर्स, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आपको पता ही है कि आप जो 10 आ गया हम इसमें पुट करेंगे, y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन टू में करेंगे पुटिंग, क्यों, क्योंकि आपको पता ही कि आसान है। ठीक है, इसमें पुट करना बहुत ही आसान है, तो x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 30, ठीक है, प्लस 7 इंटू 10, तो x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 30, ठीक है, प्लस 70, तो कितना जाएगा x की वैल्यू कितना जाएगा दोस्तों 40, तो कह सकते हो कि जैकब्स का जो एज था वो था 40 ईयर्स, ठीक है 40 ईयर्स था, और सन का एज कितनी थी 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा सवाल जो है पूरा हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, ये जो 3.3 था अभ्यास जो था हमारा, ये पूरा ख़त्म हो गया दोस्तों। ठीक है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझ के करो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, इसी के साथ जो है आपने इतना समय त्रिपाणा स्टडी सेंटर में लगाया, इसके लिए धन्यवाद। ओके, अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय।